किंग्स गेम। ये कहानी है एक हाई स्कूल क्लास की, जहाँ पर सभी स्टूडेंट एक डेथ गेम में फंस जाते हैं, जिसमें हर रोज उनको एक नया ऑर्डर या टास्क दिया जाता था, और अगर वो ये टास्क को कंप्लीट नहीं करते थे तो उन्हें मौत से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। कहानी शुरू होती है और हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनका नाम नोबू और चियामी है, और अब ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन उन लोगों को एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था कि उनकी पूरी क्लास को किंग्स गेम के लिए सेलेक्ट किया गया है, और अब गेम्स के रूल्स ये थे कि पूरी क्लास को इस गेम को खेलना होगा और कोई भी स्टूडेंट इस गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता, और हर रोज इनके मोबाइल पर इनको एक ऑर्डर या टास्क दिया जाएगा और इनको ये ऑर्डर 24 घंटे में कंप्लीट करना है, और जो ये ऑर्डर 24 घंटे में कंप्लीट नहीं करेगा उन लोगों को सजा दी जाएगी। और अब इनका पहला ऑर्डर रोल नंबर 8 के लिए था, और अब उस लड़के के लिए टास्क ये था कि उसे उस प्रपोज करना है जो उसका क्रश थी। और अब अगले दिन नोबू और चियामी अपने तीसरे फ्रेंड से मिलते हैं, वो भी इनको यही बताता है कि उसको भी ये मैसेज आया था, और असल में ये मैसेज इनकी पूरी क्लास को ही आया था, और अब सब उस लड़के को फोर्स करते हैं उस लड़की के पास जाने के लिए, और अब वो अपनी क्रश के पास जाकर उसे फ्रेंडशिप के लिए पूछता है, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद उन सब स्टूडेंट्स को एक मैसेज आता है कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और अब इनको ये लगता है कि शायद को इनका फ्रेंड ही इनके साथ मजाक कर रहा है, तो वो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते। और अब दूसरा ऑर्डर रोल नंबर 4 और क्लास की पॉपुलर लड़की के लिए था, और अब अगले दिन मॉनिटर इन सबसे पूछती है कि ये मजाक कौन कर रहा है, लेकिन अब उस लड़की को ये ऑर्डर कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो खुद ही उस लड़के के पास जाती है और अपने ऑर्डर को कंप्लीट करती है, और एक बार फिर सभी को वहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट होने का मैसेज आता है, और अब शाम को इन्हें तीसरा ऑर्डर मिलता है, और अब अगले दिन वो लड़का जिसको ये मैसेज आया था वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन फिर जब उसको पता चलता है कि जिसके साथ उसने ऑर्डर को कंप्लीट करना था वो लड़की मौजूद ही नहीं थी, और फिर उसी रात किंग का सबको मैसेज आता है, और अब ये मैसेज ये था कि उन स्टूडेंट्स ने अपने ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए उनको इरेज कर दिया जाएगा। और अब हम देखते हैं कि चियामी के रूम में जो पिक्चर थी उस पिक्चर में से वो दोनों स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं, और अब उनको चौथा ऑर्डर मिलता है कि दो स्टूडेंट्स को एक साथ रहकर कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करना होगा। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि उन दो स्टूडेंट्स की बेंच गायब हो गई थी जिन लोगों ने ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया था, और साथ ही इन सबके मोबाइल से दोनों के नंबर्स भी डिलीट हो गए थे, और यहाँ तक कि स्कूल के रिकॉर्ड में भी उनका कहीं पर भी नाम मौजूद नहीं था, और ये जानकर सभी शॉक्ड में थे। और अब क्लास में मॉनिटर उसी स्टूडेंट का नाम बोलती है कि आज वो क्लास में नहीं आई, पर तभी टीचर उन सबको बताती है कि इस नाम की लड़की यहाँ पर कोई नहीं है, और अब क्लास के बाद वो उसके घर पर भी कॉल करते हैं, और अब उसके पेरेंट्स भी नहीं मानते कि इस नाम की उनकी कोई बेटी थी। अब यहाँ पर इन सब लोगों को ये बात पता चलती है कि ये गेम मजाक नहीं है, उन दोनों को सच में इस दुनिया से मिटा दिया गया था, यहाँ तक कि वो किसी को याद भी नहीं थे, सिर्फ इन लोगों को छोड़कर जो के गेम का हिस्सा थे। और अब ये सब सुनकर वो दोनों स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं जिनका अगला ऑर्डर था। अब वो अपनी जान को बचाने के लिए वो दोनों अपने ऑर्डर को कम्प्लीट कर लेते हैं, और अब पांचवा ऑर्डर एक स्टूडेंट के लिए था जिसे एक दिन के लिए किंग बनाया जाएगा, और वो कोई सा भी एक ऑर्डर दे सकता है, और फिर वो अगले दिन अपने फ्रेंड को मार रहा था और दूसरे फ्रेंड के लिए ये ऑर्डर देता है कि इसको मार दिया जाए, और तभी उसके फ्रेंड को हार्ट अटैक आता है और वो टीचर्स के सामने जाकर मर जाता है। तभी उसके मरने के बाद वहाँ पर टीचर्स नॉर्मल होकर चलने लगते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था, और फिर इसके बाद सबको मैसेज आता है कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ, और इसके फौरन बाद उस स्टूडेंट की बेंच गायब हो जाती है। और अब सभी सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कोई कहता है कि उन्हें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन कोई भी उनकी इस कहानी पर बिलीव ही नहीं करेगा। और अब नोबू सबसे कहता है कि ये किंग जो भी है हमें आपस में लड़वाना चाहता है, इसीलिए नेक्स्ट ऑर्डर पर हम मिलकर कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और अब वो कुछ स्टूडेंट बैठकर बात करते हैं जिनमें से उनकी एक फ्रेंड उसको बताती है कि शायद ये गेम कर्ज है, जो किंग हमें मैसेज करता है शायद हम में से ही कोई हो, और हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब उनको नेक्स्ट ऑर्डर यानी छठा ऑर्डर मिलता है जिसमें ये था कि दो स्टूडेंट्स के दरमियान वोटिंग होगी, जिस स्टूडेंट को वोट कम मिलेंगे वो मारा जाएगा, और जो कोई स्टूडेंट वोट नहीं करेगा वो भी मर जाएगा। और अब अगले दिन नोबू सबको एक आइडिया देता है कि हम लोग टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 28 स्टूडेंट हैं, और अगर हम आधे आधे वोट्स दें तो दोनों में टाई हो जाएगा और फिर शायद कोई भी नहीं मरेगा। और अब सभी को ये आइडिया पसंद आता है और सब लोग ऐसा ही करते हैं।
लेकिन गिनती के टाइम इनको पता चलता है कि किसी ने चीटिंग की है और एक स्टूडेंट को एक वोट ज्यादा मिला है। ये जानकर दूसरी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसको कम वोट मिले हैं। इसी बात से डरकर वो विंडो से कूद जाती है, जिससे वो मर जाती है। और फिर सबको ये मैसेज आता है कि उस स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से जान दी है, इसलिए ये ऑर्डर नहीं माना जाएगा। और अब उसकी जगह दूसरी स्टूडेंट को वो ऑर्डर दिया जाता है। और अब तभी वो बोलती है कि वही है जिसने उसको एक वोट ज्यादा दिया था, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब उनको ये मैसेज आता है कि इस लड़की ने सबसे झूठ बोला, इसलिए इसको सजा दी जाएगी। तभी वो वहाँ से इरेज हो जाती है, यानी कि वो भी गायब हो गई थी। और अब इन सब का जिम्मेदार सब नोबु को मानते हैं, क्योंकि उसकी वजह से एक की जगह दो की जान गई। और अब स्कूल के बाद चियामी अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो उसको बताती है कि पहले भी ये गेम्स खेले गए हैं और पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से पूरी क्लास के बच्चे गायब हो गए थे। इसके बाद उसके फ्रेंड उसको एक पिक्चर दिखाती और इस पिक्चर में नोबु से मिलता जुलता लड़का बैठा हुआ था। और वो उसको और भी पिक्चर्स दिखाती है और उसको बताती है कि जिस भी क्लास के बच्चे लापता हुए उसमें नोबु मौजूद था। चियामी उसको बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नोबु को बचपन से जानती हूँ। और उसके फ्रेंड उसको ये बात बताती है कि शायद किंग मेमोरीज को भी इरेज करता हो और तुम्हारी यादें झूठी हों कि तुम नोबु को बचपन से जानती हो। उसके फ्रेंड को ये शक था कि शायद नोबु ही किंग है। इसके बाद इनको ऑर्डर नंबर 7 मिलता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक बॉक्स में सभी पेंसिल्स को डालना था और फिर बारी बारी उनको ये पेंसिल्स उठानी है। और अब जो स्टूडेंट लास्ट वाली पेंसिल को उठाएगा वो मारा जाएगा। और अब लास्ट में एक स्टूडेंट बचता है और वो देखता है कि बॉक्स में 3 पेंस थे। और अब वो ये सोचता है कि अगर वो 2 पेंस को उठा लेता है तो लास्ट में 1 पेन बचेगा, और अगर नोबु लास्ट में वो पेन को उठाता है तो वो मर जाएगा। और फिर वो उसको कहता है कि तुम्हारे आइडिया की वजह से वो पहले 2 स्टूडेंट्स मर गए थे, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा ही करूंगा। और अब जब नोबु उस बॉक्स के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड ने 3 पेंस को उठा लिया था, यानी कि उसने गेम्स के रूल्स को तोड़ दिया था। और अब वो उसको ये कहता है कि जब मेरी फ्रेंड विंडो से कूदी तो मैं कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस गेम को बीट करो। ये कहता है और वो इरेज हो जाता है। और अब क्लास के बाद एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने इस गेम से पीछा छुड़ाने के लिए एक आइडिया ढूंढ लिया है। और अब स्कूल के बाद नोबु चियामी के घर जाता है, जहाँ पर चियामी अपनी मदर की होम टाउन की तस्वीरें दिखाती है। लेकिन इन पिक्चर्स में अजीब बात ये थी कि सभी खाली थी। और इसके बाद इनके फोन पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि 17 स्टूडेंट्स ने रूल्स को तोड़ा है और इसीलिए उन्हें इरेज किया जा रहा है। और अब नोबु अपने फ्रेंड को कॉल करता है, तभी उसको पता चलता है कि उनकी फ्रेंड ने सबको एक आइडिया दिया था कि वो किंग का नंबर ही ब्लॉक कर दें, अगर उनके पास मैसेज नहीं आएगा तो वो लोग गेम में भी नहीं होंगे। लेकिन ऐसा करने से इन लोगों ने गेम के रूल को तोड़ दिया था, क्योंकि गेम का फर्स्ट रूल यही था कि वो लोग गेम को छोड़कर नहीं जा सकते, और इसीलिए पूरे 17 स्टूडेंट्स गायब हो गए थे। और अब इनकी क्लास में 8 स्टूडेंट्स बाकी थे। और अब इनको नेक्स्ट ऑर्डर दिया जाता है। वो ऑर्डर ये था कि इनकी क्लास मॉनिटर ने 2 स्टूडेंट्स को डेथ मैसेज करना है, और वो जिनको भी मैसेज करेगी वो लोग मर जाएंगे। और अगले दिन इनकी क्लास में कुछ ही स्टूडेंट्स बाकी थे, लेकिन इनकी टीचर रोज की तरह इनको पढ़ाकर चली जाती थी। लेकिन आज उनमें से एक स्टूडेंट अपनी टीचर पर चिल्लाती है और कहती है कि हमारी क्लास के स्टूडेंट्स गायब हो रहे हैं, क्या ये आप देख सकती हैं? लेकिन टीचर को लगता है कि वो बीमार है, तभी वो चियामी से बोलती है कि इसको नर्स के ऑफिस में लेकर जाओ। और अब वो वॉशरूम में जाकर अपना हाथ काट लेती है, क्योंकि उसका ये ऑर्डर था कि उसने अपनी क्लास के 2 स्टूडेंट्स को मारना था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपना हाथ काट लेती है। और अब चियामी जब वहाँ पर ब्लड को देखती है तो वो अंदर आती है, लेकिन वो स्टूडेंट इरेज हो चुकी थी। और अब ये देखकर चियामी भी शॉक से बेहोश हो जाती है। और फिर सबको मैसेज आता है कि ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये ऑर्डर नोबु को दिया जाता है, इसीलिए अब नोबु को 2 के बदले 3 क्लासमेट्स को मारना होगा। और अब नोबु के क्लासमेट्स उसको बोलते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि इस गेम को कैसे एंड करना है, लेकिन उन्हें एक पास के टाउन में जाना होगा। और अब नोबु इनके साथ चल पड़ता है। और उसके क्लासमेट्स नोबु को बताते हैं कि उन्हें पास्ट में भी बहुत से इंसिडेंट मिले हैं और जिनमें पूरी क्लास ही गायब हो गई थी। और ये पहला इंसिडेंट इसी टाउन के एक स्कूल में हुआ था, उस वक्त सेल फोन्स नहीं थे, इसीलिए किंग ने सबको एक खत के जरिए मैसेज दिया था। और अब ये लोग उसी स्कूल में जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर उन्हें कोई एविडेंस मिल जाए। और अब
सियामी को उसका फ्रेंड बताता है कि अगला ऑर्डर नोबू को मिला है और अगर वो अपने 3 क्लासमेट्स को नहीं मारेगा तो खुद मारा जाएगा। और अब सियामी की फ्रेंड उसको आकर बताती है कि नोबू उसी जगह गया है जहां पर पहला गिंग गेम खेला गया था और उसको ऐसा लगता है कि नोबू को किसी और मकसद के लिए वो लोग वहां पर ले गए हैं। नोबू को यहां पर कुछ पुराने लेटर्स और फोटोज मिलती हैं और तभी उसका क्लासमेट उसके सर पर हिट करता है जिससे नोबू बेहोश हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए थे और वो तीनों स्टूडेंट्स उसके सामने खड़े थे। इन लोगों ने भी पुरानी पिक्चर्स देख ली थी जिन पिक्चर्स में नोबू जैसा लड़का नजर आ रहा था और जिससे उन्हें ये लगता था कि नोबू ही किंग है और अब वो उसको मारकर ये गेम जीत लेंगे। असल में वो नोबू को यहाँ पर मारने के लिए ही लाए थे। अब उन सबको यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि इस गेम में जितने भी लोग गायब हुए उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो फिर ये बात सबको कैसे पता चली कि सब स्टूडेंट्स गायब हो गए? और ये भी किंग की एक चाल है। वो ये चाहता है कि सब लोग नोबू को किंग समझें और उसको मार दें। तभी नोबू का फ्रेंड उसको कॉल करता है लेकिन वहाँ पर मौजूद क्लासमेट्स उसकी कॉल को कट कर उसका फोन फेंक देते हैं और अब नोबू का फ्रेंड वहाँ पर पड़े कंप्यूटर पर कुछ करने लगता है। इधर वो तीनों नोबू को जान से मारने ही वाले थे कि अचानक ही वो तीनों उसके सामने से गायब हो जाते हैं और अब नोबू अपने आप को खोलकर फौरन फोन उठाता है और तभी उसको एक मैसेज मिलता है कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ। असल में नोबू के फ्रेंड ने उसकी आईडी को ओपन करके उन तीनों क्लासमेट्स को डेथ मैसेज कर दिया था इसीलिए वो लोग गायब हो गए थे और नोबू बच गया। और इधर नोबू को कुछ पुरानी पिक्चर्स मिलती हैं जिन्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नोबू को दिया हुआ ऑर्डर उसके फ्रेंड ने कंप्लीट किया था इसीलिए नोबू को चीटिंग की सजा मिलेगी और इसीलिए नोबू के फ्रेंड को इरेज कर दिया जाएगा। और नोबू अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसका फ्रेंड नोबू से बात करता ही गायब हो जाता है। इसके बाद नोबू सियामी के घर जाता है लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं थी। और अब सियामी की फ्रेंड उसको बताती है कि उसको पता चल गया है कि ये कर्ज किसी और पर नहीं बल्कि किंग पर है। किंग हर बार एक क्लास में जाता है और वहाँ पर नया डेथ गेम शुरू हो जाता है जिसमें किंग को सफर करना पड़ता है। और तभी सियामी को नोबू की कॉल आती है और वो उसको क्लासरूम में मिलने के लिए बुलाता है। और इधर सियामी की फ्रेंड जो बगैर गलती के ही इरेज कर दी जाती है क्योंकि उसे किंग का सच पता चल चुका था और अब नोबू ने शायद इस गेम की सारी पहेली को सुलझा लिया था। नोबू सियामी को बताता है कि ये गेम पहले एक स्कूल में खेला गया जहाँ पर सभी बच्चे गायब हो गए सिवाय एक लड़की के। तभी नोबू सियामी को पुरानी पिक्चर दिखाता है और उस पिक्चर में सियामी ही थी और पहले सियामी ही किंग्स गेम की विनर थी और अब गेम जीतने के बाद सियामी अगली किंग बनने वाली थी जिसके लिए उसने मना कर दिया इसीलिए उसको एक कर्ज दिया गया कि वो अब हमेशा के लिए डेथ गेम में फंसकर रह जाएगी और उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी और हर डेथ गेम जीतने पर उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाएगा। और फिर नोबू बोलता है कि वो इस डेथ गेम को यहीं पर खत्म कर देगा ताकि किसी और स्टूडेंट को इसको खेलना ना पड़े। और नोबू सियामी को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता है। उसको मारने से पहले सियामी से पूछता है कि क्या उनकी बचपन की यादें फेक थी और तभी सियामी उसको धक्का देती है और नोबू की सीजर उठाकर उसको ही मार देती है और अब नोबू की यादें पूरी तरह इरेज हो जाती हैं और उसकी फैमिली भी भूल जाती है कि उनका नोबू नाम का कोई बेटा था। और ये डेथ गेम सियामी ने एक बार फिर से विन कर लिया था और उसको मैसेज आता है कि वो विनर है और उसका कर्ज जारी रहेगा। सियामी भी ये सब रोकना चाहती थी इसीलिए वो विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है। और अब हम 6 महीनों बाद एक स्कूल को देखते हैं जिसमें एक नई लड़की सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है। इस लड़की के पास बिल्कुल सियामी बैठी हुई थी और इसकी मेमोरीज को एक बार फिर से इरेज कर दिया गया था। अब इस नई क्लास के साथ अगला किंग्स गेम खेला जाएगा और यहीं पर स्टोरी का एंड।